Morning students, आज हम geography chapter second land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources के बारे में study करेंगे। देखिए ये सभी क्या है? Natural resources हैं। Natural resources कौन सी हैं? जो हमें nature से ही मिले हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस chapter में study करेंगे। सबसे पहला natural resources में क्या है? Land। Thank you.
पंचायत की भूमि कहा जाता है उसको। पंचायत की भूमि मीन्स पूरे गांव की भूमि है, वो पंचायत की भूमि है। पंचायत उस भूमि पर जो लोग खेती करते हैं उनसे खेती करवा, तो जो हमारी पंचायत की भूमि है, पंचायत की लैंड है, वो कम्युनिटी लैंड है। इसके अलावा गांव में पॉन्ड्स है, कुएं है, ये भी कम्युनिटी लैंड है। शहरों में जैसे पार्क बने हुए हैं, ठीक है, जैसे क्लाइड है, क्लाइड में कोई भी पार्क बना हुआ है, वो भी पार्क कम्युनिटी लैंड है। इसके अलावा शमशान घाट है, वो भी कम्युनिटी लैंड में शामिल किया जाता है। तो ये थे लैंड के टू टाइप, कम्युनिटी लैंड, और जो कम्युनिटी लैंड है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। कम्युनिटी लैंड का दूसरा नाम रखा गया है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सोयल। सोयल क्या होती है? सोयल बारे में आज समझते हैं। और इसके बाद